दोस्तों आप सबको पता है कि भारत में इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले प्लेयर्स की कमाई करोड़ों में होती है। चूंकि बीसीसीआई वर्ल्ड का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए ये अपने प्लेयर्स को अच्छी खासी फीस देता है। आईपीएल खेलने वाले प्लेयर्स भी पैसों के मामले में पीछे नहीं रहते। हर सीजन काफी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन पे करोड़ों की बोली लगती है। दोस्तों ये तो बात हो गई इंटरनेशनल और आईपीएल की, लेकिन क्या आपको पता है कि जो प्लेयर्स डोमेस्टिक लेवल पे खेलते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उनकी कमाई कितनी होती है? तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे खेलने वाले प्लेयर्स की कमाई कितनी होती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सौरभ गांगुली के बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद बीसीसीआई ने डोमेस्टिक प्लेयर्स को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं। बीसीसीआई अब इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ डोमेस्टिक लेवल पे भी खेलने वाले प्लेयर्स को बहुत अच्छी फीस देता है। दोस्तों इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे मेनली तीन टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आता है, और इन तीनों टूर्नामेंट का फी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं इन तीनों टूर्नामेंट्स के फी स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों आप ये जरूर कमेंट कीजिए कि आप इन तीनों टूर्नामेंट्स में से किस टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। ये टूर्नामेंट 20 ओवर्स का होता है। इस टूर्नामेंट में 6 या 7 लीग मैचेस होते हैं और 4 सुपर स्टेज के मैचेस होते हैं। दोस्तों इस टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 में खेलने वाले प्लेयर्स को 17,500 रुपए पर मैच फीस मिलता है, और जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं उन्हें हाफ यानी 8,750 रुपए पर मैच फीस मिलता है। मैच फीस के अलावा सभी प्लेयर्स को, चाहे वो प्लेइंग 11 में हो या ना हो, हर मैच में 1,000 रुपए का डेली अलाउंस मिलता है। सिर्फ लीग मैचेस की ही बात करें तो अप्रोक्स 6 मैचेस में एक प्लेयर 1,05,000 रुपए प्लस 6,000 डेली अलाउंस यानी 1,11,000 रुपए अर्न कर लेता है, और सुपर स्टेज तक पहुंचने वाली टीम्स के प्लेयर्स की कमाई लगभग 1,85,000 के आसपास होती है। अब बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी की। ये टूर्नामेंट 50 ओवर्स का होता है। इस टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए टीम्स को लगभग 8 से 9 लीग मैचेस खेलने होते हैं। दोस्तों इस टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 में खेलने वाले प्लेयर्स को 35,000 रुपए पर मैच फीस मिलता है, और बेंच पे रहने वाले प्लेयर्स को इसका आधा यानी 17,500 रुपए मिलता है। मैच फीस के अलावा हर प्लेयर्स को लीग मैचेस में 1,000 रुपए और नॉकआउट मैचेस में 1,500 रुपए डेली अलाउंस दिया जाता है। तो दोस्तों सिर्फ लीग मैचेस से एक प्लेयर की कमाई लगभग 3,24,000 के आसपास हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों रणजी ट्रॉफी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में आता है। रणजी ट्रॉफी में टोटल 38 टीम्स पार्टिसिपेट करती है। इस टूर्नामेंट में ओवर्स का कोई लिमिट नहीं होता है और एक मैच 4 दिनों तक चलता है। दोस्तों इस टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 में खेलने वाले प्लेयर्स को 35,000 रुपए पर डे मिलता है, और जो प्लेयर्स बेंच पे होते हैं उन्हें 17,500 रुपए प्रतिदिन मिलता है। 35,000 रुपए के हिसाब से एक प्लेयर का एक मैच का फीस 1,40,000 के आसपास होता है, और जो प्लेयर्स बेंच पे होते हैं उन्हें 70,000 रुपए पर मैच फीस मिलता है। मैच फीस के अलावा सारे प्लेयर्स को 1,000 रुपए डेली अलाउंस भी मिलता है। दोस्तों इस टूर्नामेंट में 8 से 9 लीग मैचेस होते हैं, और जो खिलाड़ी टोटल 9 मैचेस खेलते हैं उनकी अर्निंग लगभग 13,32,000 के आसपास होती है। अगर कोई प्लेयर सारे मैचेस में प्लेइंग 11 से बाहर होता है फिर भी उसकी कमाई लगभग 7 लाख रुपए होती है। दोस्तों दो जरूरी बातें आपको बता दूं। पहला ये कि इन तीनों ही टूर्नामेंट्स में लीग मैचेस में सभी प्लेयर को, चाहे वो प्लेइंग 11 में हो या ना हो, 1,000 रुपए डेली अलाउंस मिलता है। दूसरा यह है कि हर सीजन जितना भी फीस प्लेयर्स को मिलता है उसमें से 12% टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ही उन्हें पे किया जाता है। दोस्तों मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन टूर्नामेंट्स में कैसे खेल सकते हैं, और उसका अपडेट मैं सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे दूंगा। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा।